that area, so. जय सियाराम, शुभ प्रभात। आज साइकिल से भारत यात्रा का चौथा दिन है। 5 बज गए, चलो शुरू, तैयार होते हैं। पंचर हो गई है शायद। हंस तो दो थोड़ा। मोटर वाला है। यहाँ से घाट शुरू हो गया, 6 किलोमीटर का घाट है और मैं 2 किलोमीटर पहले से पैदल चल रहा हूँ। आज साइकिल चलाने की इच्छा ही नहीं हो रही, इतनी नेचुरल ब्यूटी है, ऐसा लग रहा है कि रुक जाए। कहाँ जा रहे हो रे सब? और जैसे घाट है, नहा लिए पसीने में। वहाँ का इंटरेस्टी का ढाबा पर आज जल्दी खाना खा रहे हैं, 10 बजे वापस लगी। इन्हें छाछ दिए कॉम्प्लीमेंट्री, कड़ी पकौड़ा, तंदूरी रोटी। सोचा था कि तंदूरी रोटी खाऊंगा नहीं, क्योंकि खाना खाता है तो रोटी है। कल की तवा रोटी बढ़िया थी, लेकिन यहाँ पर कहीं मिल नहीं रही। तो ये भूपेंद्र भैया हैं, रास्ते में मिले। Hello. और ये महिला ITI में काम करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। इनके ही घर की छत पर बैठे हुए हैं जी। और इन्होंने बताया ये भोले बाबा के भक्त हैं, तो वहाँ एक मंदिर देख रहे होंगे आप, तो ये यहाँ से उनको प्रणाम करते हैं, इसलिए छत पे लेकर आ रहे हैं। नमस्ते जी आप सभी दर्शकों को, देखने वाले को। सीट पर बैठे बैठे बंदरों जैसी हालत हो गई है, लाल। निकल गया आगे। यह बैतूल का मार्केट, कोठी बाजार। हमें जाना है गंज, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो हम बैतूल के गंज में आ गए हैं, तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे। कपड़े पड़े सब धो लिए हैं। एक मैडम है रेखा गुजरे, उनके माध्यम से पूरी व्यवस्था हुई है। वो एक NGO चलाती हैं। ये राष्ट्रलक सिनेमा है, रक्षाबंधन, ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा फाड़ा नहीं है अभी तक इसे। अभी तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह का खाना मुलतई में होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि स्टे कहाँ करना है। तो गुड नाइट, और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।